मध्य प्रदेश में कृषि बिल के विरोध में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कई जिलों में बाजार रोज की तरह अपने समय पर खुले रहे। इस दौरान जहां कई जगहों पर बंद को देखते हुए किसान खुद ही मंडी नहीं पहुंचे, तो कई जगह मंडियां भी खुली रहीं। वहीं भोपाल में भी बंद का असर देखने को नहीं मिला। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का आह्वान जरूर किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को नहीं मिला। कई जिलों में सुबह से ही बाजार और दुकानें रोज की तरह खुली रहे। इस दौरान कुछ जगह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंद का समर्थन किया। भोपाल, जबलपुर सहित कई जिलों में बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। हालांकि बंद के आह्वान के चलते पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। उनके साथ प्रशासनिक अमला भी तैनात किया गया था। मंडी में भी बंद का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। कुछ किसान रोज की तरह अपनी उपज लेकर मंडी भी पहुंचे। उधर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इंदौर की अनाज मंडी में किसानों के बंद का समर्थन किया, लेकिन वे वहां भी देरी से पहुंचे, जहां सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बंद में मौजूद रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।